नमस्कार, मैं हूँ सुशील जोशी और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वेरियस असेसमेंट स्ट्रैटेजीज क्या इस्तेमाल की थी बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए। मैंने कौन कौन से डिफरेंट ICT टूल्स का उपयोग किया था ये आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। पहला टूल मैंने इस्तेमाल किया था क्विज मेकिंग के लिए, quizzes.com। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी लेवल भी दिखती है, टोटल पार्टिसिपेंट्स भी दिखेंगे डिफरेंट क्विजेस के लिए। तो मैं क्विज निकालता हूँ, जैसे कक्षा हिंदी टेस्ट, क्योंकि 85 बच्चों ने इसे पार्टिसिपेट किया था। तो किस तरह से ये क्विज बच्चों ने सॉल्व किया था यहाँ हम लोग देखते हैं। लाइव डैशबोर्ड भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने अटेम्प्ट में उनको ये 100% एक्यूरेसी मिली थी। यहाँ पे देखिए, जैसे देख रहे हैं कि नुसैबा सैयद 1 अटेम्प्ट, यहाँ 2 अटेम्प्ट, अर्ना 1 अटेम्प्ट, इस तरह से आप देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि क्विज दिखाई कैसे देता है यहाँ पर। ये तो हो गई रिपोर्ट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी 50%, 38 क्वेश्चन और 85 पार्टिसिपेंट ने इसको अटेम्प्ट किया था। यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्विज ओपन हो रहा है। तो किस तरह का वो क्विज दिखाई देगा, बच्चे काफी पसंद करते थे जब उनको एक लाइव गेम की तरह क्विज मिलता था। जैसे हम मोबाइल में डिफरेंट गेम खेलते हैं, उसी तरह से बच्चों को ये क्विज दिखाई देता है। बच्चे काफी इंटरेस्ट भी लेते थे, इसीलिए ये सब चीजें ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी अच्छी लगती थी। बच्चे काफ़ी इसको पसंद भी करते थे और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था। देखिए इस तरह से ये क्विज आप देख सकते हो, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बच्चों को सिर्फ क्लिक करना होता है। मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीव्यू अभी दिखाई दे रहा है। री अटेम्प्ट मैं करता हूँ। तो बच्चों को एक म्यूजिक के साथ क्विज खेलने के लिए भी मिलता है। क वर्ण से कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बच्चों को पॉइंट्स भी दिखाई देते हैं। सड़क पर क्या खड़ी थी, बस खड़ी थी। अगर बच्चे सही देते तो सही आंसर आएगा और इसे आपको सबमिट करना है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, ये प्रीव्यू आप देख रहे हो यहाँ पर। तो इस तरह का गेम बच्चे काफी मजा भी लेते हैं क्विज सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया, तो बहुत सारे क्विजेस आप देख सकते हो माय लाइब्रेरी में। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने सारे क्विजेस बनाए थे, लगभग 42 और 35, 77 क्विजेस मैंने बनाए थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक। बच्चों को काफी हेल्प मिली और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। दूसरा एक असेसमेंट टूल मैंने इस्तेमाल किया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल क्लासरूम। जैसे कि हम देखते हैं गूगल क्लासरूम यहाँ पे ओपन है। देखिए 5वीं मैथ का 2020-21-22 का, 21-22 में भी यूज़ किया था और 20 में भी यूज़ किया था। तो प्रीवियस क्लासेस में 2 साल कंटिन्यू पैंडेमिक था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्लासेस स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे भी ऐड थे इसमें। क्लासेस के सारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं, 41 स्टूडेंट ज्वाइन थे। टीचर और स्टूडेंट ने मिलकर इसको आसान बनाया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ये सारी एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों ने परफॉर्म की थी। अपलोड पोएम और वीडियो, 6 टर्न ऑन, यानी कि हम देख सकते हैं 6 बच्चों ने इसे अपलोड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। आप देखिए कि
किस तरह का पोयम यहाँ पर बच्चे अपलोड करते थे। ऑनलाइन क्लासेस में काफी सारी हेल्प मिली बच्चों की भी मुझे। तो ये भी एक असेसमेंट स्ट्रैटेजी भी है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरह से हमें हेल्प मिलती है। लाइव क्लासेस में बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो गूगल क्लासरूम की भी काफ़ी हेल्प हुई मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज़ वर्कशीट वगैरह बनाने में। यहाँ पे हमने लाइव वर्कशीट भी दी है, कुछ इमेजेस भी अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं सॉल्व द क्विज करके किया था, quizzes.com पे ये क्विज मैंने बनाया था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें, पेपर हो, सीसीए की रंगोली मेकिंग कंपटीशन हो, वाटर साइकिल बनाना हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी बहुत अच्छे से बच्चों ने पार्टिसिपेट करके बनाई थी कंपटीशन में हिस्सा लेकर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बच्चे पार्टिसिपेट भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस मेरे पास थी। तो बहुत सारी क्लासेस, ये फोर्थ सी मैथ, फिफ्थ सी मैथ, फोर्थ बी, फिफ्थ बी हिंदी, फिफ्थ बी मैथ, सेकंड बी, फोर्थ बी मैथ, इस तरह की क्लासेस। और कुछ क्लासेस हमने आर्ची भी की थी लास्ट ईयर की, जैसे कि आप देख सकते हो 2020-21 में। ये तो मेरी क्लास नहीं थी, लेकिन ये यहाँ पर क्लासेस हमने आर्ची भी की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बहुत सारी क्लासेस देखने के बाद हमें पता चलता कि सारा काम गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही हुआ था। तीसरा एक टूल हमने लिया था फ्लिपग्रिड। अब देखिए, फ्लिपग्रिड एक ऐसा टूल है कि जिसमें वीडियो रिस्पॉन्सेस बच्चे अपने ऐड कर सकते हैं। तो एक कहानी कथन प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की थी हमारी क्लास में, तो किस तरह से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो कक्षा 5वीं का है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल रीडिंग कंपटीशन हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर क्लास सेकंड और वी के लिए, अभी फोर्थ वी के लिए टेबल रीडिंग कंपटीशन एक लिया था मैंने, तो जिसमें आप देख सकते हो 9 रिस्पॉन्सेस है स्टूडेंट्स के, जिनको आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें असेसमेंट करने के लिए फ्लिपग्रिड का भी काफ़ी अच्छा उपयोग हुआ है, मिला है। और नेक्स्ट एक टूल मैंने यूज़ किया था वो है नियर पॉड। यूट्यूब के वीडियोज़ या अपने पर्सनल वीडियोज़ में भी आप क्वेश्चन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती है। देखिए, यहाँ पर एक वीडियो ऐड किया है, वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर जैसे बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी आया है, तो इससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी सेल्फ लर्निंग भी डेवलप होती है। तो ये असेसमेंट टूल काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तीन चार डिफरेंट टूल्स मैंने यूज़ किए हुए थे बच्चों के लिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। धन्यवाद।